तो हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो कि ठंड में काम आने वाली है। वो वाली टिप्स के बारे में नहीं, पर कार की टिप्स के बताने वाला हूँ। तो गाइस, हमारे यहाँ राजस्थान हरियाणा पंजाब साइड बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठंड में कार के शीशों पर जम जाती है जो भाप होती है, भाप जम जाती है, आपने देखा ही होगा कोहरा। गाइस, इसे हटाने के क्या तरीके हैं वो मैं आपको बताऊँगा। गाइस, वैसे भी आजकल ठंडी बहुत बढ़ गई है, तो गाइस सर्दियों में कार चलाते समय एक सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि कार के शीशों पर अंदर की भाप जम जाती है इतना, जिसकी वजह से हमें क्लियरली इतना बाहर का दिख नहीं पाता। इससे कार चलाने में दिक्कत भी होने लगती है और विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। कई बार यहाँ तक हो जाता है कि कार का रोकना पड़ता है, फिर उसे साफ करना पड़ता है, और कौन इतनी झंझट कौन करे। तो गाइस, ये सब ना करना पड़े इसीलिए मैं आपको जो टिप्स बताऊँगा। तो गाइस, सबसे पहले नंबर में कार चलाते हैं और उसमें जब से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है तो एंटी फॉग प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया करें, जिसके गाइस ये खासतौर पर इसी के लिए बना होता है, और उससे कपड़े 7 इंच पर लगाना होता है और सूखते ही इसने अपना काम शुरू कर देता है। दूसरे नंबर पर आती है शेविंग फोम। तो गाइस, शेविंग फोम भी एक तगड़ा जुगाड़ है, जिसको शेविंग क्रीम लगाने के 2 मिनट बाद कपड़े से अच्छी तरह से विंडशील्ड पूरी साफ कर दें, तब भी आप विंडस्क्रीन पर भाप से बच सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भाप नहीं होगी। तो गाइस, ये जो भाप होती है वो जमने वाली जगह साफ करें। विंडस्क्रीन पर भाप जमने के बाद कार के अंदर और बाहर हाथों के बाकी निशान ऊपर कर दिखने लगते हैं, इसलिए आप विंडस्क्रीन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ करें। इसके अलावा पानी के साथ वाइपर चलाएं और ग्लास क्लीनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, इससे विंडस्क्रीन साफ भी रहती है। तो गाइस, फिर तीसरे नंबर पर आता है कार के विंडस्क्रीन पर भाप जमते ही आपको कार का हीटर चालू कर देना चाहिए, जिससे कार के अंदर की नमी खत्म हो सके। कार के कैबिन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पर कुछ देर तक बनाए रखें। तो गाइस, ऐसा करने से जो भाप होती है वो निकल जाएगी, पर हाँ गाइस, इसकी टेम्परेचर इतना भी ज़्यादा देर तक नहीं रखें, वरना आपको बेचैनी भी हो सकती है, मतलब कि उल्टी उल्टी जैसा भी सीन हो सकता है कि विंडो, क्योंकि गाइस आप कार की विंडो भी खोल सकते हैं, जिससे बाहर और अंदर का टेम्परेचर तेज़ी से बराबर होने लगता है और कार की विंडस्क्रीन पर जमी जो भाप होती है वो तुरंत हटने लगती है। और बहुत ज़्यादा ठंडे तो गाइस कार की विंडो खोलने पर भी काम बन सकता है। और लास्ट फिर आता है डिफॉगर। आप बोलोगे गाइस, ये तो सबसे पहले मेन होता है, ये कार लास्ट में बता रहे हो, और वह तो हमें पता ही है। जिसको ना पता हो गाइस, उसके लिए, उनके लिए जिनकी गाड़ियों में डिफॉगर नहीं होता, उनके लिए भी है। कैबिन में जो नमी होती है, जो भाप जो ठंड में हो जाती है, विंडस्क्रीन पर हवा फेंकने के लिए एक बटन कार में दिया ही जाता है, लगभग सभी गाड़ियों पर आता ही है, पर कुछ कुछ गाड़ियों में नहीं भी आता। तो गाइस, बाहर और अंदर के टेम्परेचर को मिलाने के लिए एक कार में डिफॉगर बटन दिया जाता है। इस बटन को दबाते ही सीधी हवा कार की विंडस्क्रीन पर पड़ने लगती है और कुछ ही सेकंड में जमी हुई जो भाप होती है वो तुरंत निकल जाती है, विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है और क्लियरली आपको दिखने लगता है। तो गाइस, ये कुछ से कुछ 5 टिप्स जो मैं होने वाली फॉग के कारण आपकी कार के लिए काम भी आ सकती है, आपके लिए भी काम आ सकती है। तो गाइस, इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको पता ही है क्या क्या आगे क्या करना है, वो लाल वाली घंटी तो दबाई देनी। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।